हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी आराम से रेडी हो गई नहा धो के, और आज ना मैंने साड़ी पहनी है। और सबसे पहले मैं करूंगी पूजा, क्योंकि बोला जाता है कि जो पहली राखी होती है वो भगवान जी को चढ़ाई जाती है। तो मैंने गणपति जी के हाथ में राखी बांधी है। तब तक नक्शु आ गया था, नक्शु बोलने लग गया मैं भी पूजा करूंगा। फिर नक्शु ने प्रसाद चढ़ाया, मैंने भी प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद हम लोग बालकनी में गए। बालकनी में तुलसी माता की पूजा करी हरी जी ने, और उसके बाद तुलसी माता जी को राखी पहनाई। और गाइस, आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये हमारा नॉर्मली रहा रक्षाबंधन, क्योंकि मैं इस बार देहरादून भी नहीं गई। ऊपर से राहुल भी ड्यूटी पे था और ऋतिक था, ऊपर से हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो गया था, तो मम्मी ने बोला कि राखी वैसे भी नहीं बांधेंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मतलब उनकी 13वीं नहीं हुई, तो 13वीं के बाद ही राखी बांधी जाएगी। तो काजल ने मैंने डिसाइड किया कि हम लोग इस बार रक्षाबंधन यहीं सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे पहले काजल ने नक्शों को राखी पहनाई। नक्शों ना सुबह से इतना एक्साइटेड हो रखा था ना, कब मुझे राखी पहनाओगे, कब मुझे राखी पहनाओगे। और हम ना उसके लिए लाइट वाली राखी लाए थे, तो काजल ने फिर भी उसे एक नॉर्मल राखी भी पहनाई, क्योंकि पता क्या होता है, लाइट वाली राखी तो थोड़ी देर के लिए ही होती है, तो हम लोग हमेशा उसे एक नॉर्मल राखी भी पहनाते हैं। और मुझे तो वैसे भी ना प्लेन राखी बहुत अच्छी लगती है, रुद्राक्ष वाली। फिर नक्शु ने ना काजल के पैर छुए। काजल बोली, चल कम से कम आज तो पैर छू रहा है पहली बार, नहीं तो वैसे कभी भी नक्शु ना काजल के पैर नहीं छूता है। और उसके बाद आया मेरा नंबर, मैंने नक्शु को राखी पहनाई, क्योंकि हर साल मैं ही उसे राखी पहनाती हूँ, क्योंकि भाई नक्शु की कोई बहन तो है नहीं। और नक्शु को देख रहे हो आप, जैसे मैं कर रही ना सेम मेरी कॉपी कर रहा है, और इसकी ना ऐसी ऐसी हरकतों से ही लगता है कि नक्शु बड़ा हो गया है और थोड़ा सा समझदार भी हो गया है। लेकिन ना कभी कभी नक्शु ना अजीब अजीब हरकतें करता है ना, तब लगता है कि नहीं नहीं अभी ये बहुत छोटा है। उसके बाद नक्शु ने मेरे पैर छुए, और फिर आया हरीश जी का नंबर। काजल ने हरीश को राखी पहनाई, और ये दोनों के दोनों राखी पहनाते पहनाते लगे हुए थे बात करने में। मैं इनको बार बार बोल रही, प्लीज यार चुप हो जा, तुम्हारी फोटो अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए थे बातें करने में। और उसके बाद काजल ने मुझे राखी पहनाई, मैंने काजल को राखी पहनाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने भाइयों को ही राखी पहनाए, हम लोग अपनी बहनों को भी राखी पहना सकते हैं। हमारी बहनें भी वही हमारी रक्षा करती है। और गाइस, ऐसे भी ना भाइयों से भी अच्छी बहनें होती है। वैसे भी मेरी बहन काजल तो बहुत अच्छी है, काजल मेरे हर सुख दुख में काम आती है, इतने तो मेरे भाई भी नहीं आते मेरे काम। इसीलिए कभी भी वो लोग निराश ना हो जिनकी बहनें नहीं है या फिर भाई नहीं है। तो अगर दो भाई हैं तो आपस में राखी बांध ले, अगर दो बहनें हैं तो वो भी आपस में राखी बांधे। क्या बोले हम जो बोल रहे थे अभी? और गाइस, हरीश जी कुछ बोल रहे थे लेकिन बोलते बोलते चुप हो गए। फिर उसके बाद हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के बाद शाम के टाइम पे हम लोग मूवी देखने आए, क्योंकि आजकल स्त्री 2 काफी हिट चल रही है और इसके ना शो फुल जा रहे हैं। और हम लोग ना 15 मिनट लेट पहुंचे थे, फिर भी हरीश लगा हुआ था फोन में बात करने में, क्योंकि इनके ऑफिस से कंटिन्यू फोन आ रहे थे, कुछ हो गया था शायद ऑफिस में, मुझे भी नहीं पता। हम लोग इतनी स्पीड में गए ना, सभी लोग बैठ गए थे, मूवी छूट गई थी थोड़ी सी हमारी। उसके बाद ब्रेक टाइम पे हरीश जी ने हमारे लिए पॉपकॉर्न लेके आए। हमने इसको ऑलरेडी पहले से बुक करा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी अजीब थी, वो ना पॉपकॉर्न ना अंदर डिलीवर नहीं कर रहे थे, तो हरीश जी को बाहर ही लेने जाना पड़ा। और गाइज, मूवी होगी अब खत्म, और इस आदमी को देख रहे हो आप, स्टेज में लगा हुआ था डांस करने में, क्योंकि ये गाना बहुत ही अच्छा था, मूवी सच में बहुत अच्छी थी। और आप ना यहाँ पर भीड़ देख सकते, इतनी ज्यादा भीड़ थी, लगता है स्त्री 2 का सबको इतना ज्यादा क्रेज है मूवी देखने का, जबकि रात के 10 बज रहे हैं फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ है मूवी देख के घर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरीश और नक्शु आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, और बज रहे हैं रात के 10:30 से ज़्यादा हो गया है टाइम। बोलती हूँ किचन में, और मूवी कैसी थी? बढ़िया, अच्छी थी मूवी। हाँ जी, बहुत फर्स्ट क्लास। तो आप घर आके मैगी बना रही, क्या हुआ, जीजू ने आज कुछ खिलाया नहीं क्या? नहीं, आज हमने शाम को खाना लेट किया था, इस वजह से हमें भूख भी लग रही थी, तो बस हम अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, तो हमने सोचा थोड़ा सा हल्का सा मैगी बना लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं इनकी बन रही है मैगी, और अभी खाएंगे हम मैगी, या फिर मैगी खा के चित पड़ जाएंगे, क्योंकि आज दिन भर थक गए, आज हमने बहुत काम किया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी मैगी एकदम रेडी, और ये दोनों के दोनों खा रहे हैं मैगी। और गाइस, जैसे ही मैं ना मैगी खा रही थी, तो मुझे बालकनी से काफ़ी तेज तेज आवाज़ आने लगी, तो मैं बालकनी में जाके देखने लगी कि क्या हुआ है। हमारी जो बगल वाली सोसाइटी है वहीं पर ही भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, क्योंकि जो अभी डॉक्टर वाला केस हुआ है कोलकाता में, रेप केस, उसी वजह से यहाँ पर सभी लोग कैंडल जला के आगे जा रहे थे।